अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नौशीन स्टूडियो। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं एक फ्लावर की ड्राइंग कर रही हूं और इसके बाद मैं करूंगी इसके ऊपर पेंटिंग। और अभी आपके सामने मैं डिफरेंट टोन्स एंड टिंट के साथ पेंटिंग करूंगी और ये डिफरेंट पैचेस बनाएंगे हम अपनी बेडशीट के लिए। ये बेडरूम सेट डिज़ाइन कर रहे हैं और टेक्सटाइल के जितने भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की डिफरेंट पीसेस के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा जो मैं आपको काम कर रही होती हूँ, आपको दिखा रही होती हूँ, शेयर कर रही होती हूँ आपके साथ डिफरेंट क्लिप्स, वो सारे के सारे होम डेकोर से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस हैं, सारे वर्क हैं, सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल में जब एग्जीबिशन होगी इन सब चीज़ों की, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इस चीज़ के ऊपर एक पिंक फ्लावर बनाया था और एक पर्पल बनाया था और बाकी ग्रीन लीव्स बनाए थे इसके ऊपर। देखिए, इसमें डिफरेंट लाइट एंड डार्क टोन्स को की ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं, इस तरीके से इसको देखें। इस फ्लावर को बनाने के लिए जो मैंने हाईलाइट की टोन यूज़ किया वो पिंक कलर में था, बेबी पिंक कलर था। उसके बाद मैंने डार्क पर्पल शेड था मेरे पास ये दो शेड अवेलेबल थे और उन दो शेड्स को मिलाकर मैंने थर्ड टोन जो है वो क्रिएट की थी, मिड टोन जो होती है वो बनाई थी लाइट पर्पल वाली, तो वो फ्लावर बना था। अभी ये रेड के साथ वाइट कलर का को थोड़ा सा इसमें ऐड करके तो उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं, उसमें से भी एक तीसरी थर्ड टोन जो होती है वो निकाल रही हूँ। इस तरह से आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास कलर्स कम है और आप वैरायटी ज़्यादा चाह रहे हैं, इसमें वेरिएशन ज़्यादा चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टोन्स ज़्यादा नज़र आए, वेरिएशन नज़र आए कलर्स में, तो इस तरह से आप ब्लेंडिंग करके डिफरेंट टोन्स निकाल सकते हैं दो कलर्स के साथ ही। अभी देखिए, मैं ग्रीन कलर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इसमें जो डार्केस्ट टोन मैंने ग्रीन यूज़ की है, इसमें जो ग्रीन शेड था उसमें मैंने थोड़ा सा पर्पल, डार्क पर्पल शेड मिक्स किया, तो वो डार्केस्ट टोन मेरी बन गई थी ग्रीन वाली।